दोस्तों, बहुत ही बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पर NIS ऑनलाइन हब में, जहां पर मिलती है NIS से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों, यहां पर देर ना करते हुए आज की जो टॉपिक्स लेके आया हूं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि NIS DELED प्रशिक्षक को मिली डिग्री और प्रशिक्षक को फूटी कौड़ी भी नहीं। यानी DELED प्रशिक्षक को जो यहाँ पर डिग्री मिली है और यहाँ पर जो इसको पढ़ाने वाले उसको जो है फूटी कौड़ी भी नहीं मिले, और यहाँ पर जो है 2.5 करोड़ रुपया का घोटाला, और यहाँ पर DOA का यहाँ पर बहुत बड़ा एक बयान आ रहा है। दोस्तों, ये जो खबर आ रही है अपडेट, ये मुजफ्फरपुर से आ रही है। चलिए मैं पूरी विश्लेषण करके आप पूरी जानकारी देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि NIS से जुड़ी हर खबर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से आ रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है कि DELED प्रशिक्षक को मिली डिग्री और प्रशिक्षक को फूटी कौड़ी भी नहीं। और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 71 स्कूल को जो बकाया है करीब 2.5 करोड़ रुपया का, यानी 2.5 करोड़ रुपया का यहाँ पर ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं इस खबर को पूरी अपडेट के बारे में। और यहाँ पर DOA का भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है, आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर विमल कुमार जो कि DOA हैं मुजफ्फरपुर से, तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सरकारी एवं निजी स्कूल में जो शिक्षकों को मार्च 2019 तक DELED का जो प्रशिक्षण था उसको पूरा करने का जो जिम्मा दिया गया था वो NIS को सौंपा गया था। उसी को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा मार्च 2019 तक DELED का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए डिग्री भी ले ली, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों को अब तक जो है फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी एक घोटाला नज़र आ रहा है। NIS जो शिक्षक पढ़ाए हैं, जहाँ पर आपके स्टडी सेंटर थे और वहाँ पर जो है शिक्षक थे, तो उसको भी वहाँ पर जो है अभी तक आपकी उसकी बकाया राशि नहीं मिल पाई है। उसी को लेकर यहाँ पर एक अपडेट आ रही है। सरकार ने NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेन कराने का जिम्मा दिया गया था। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को जो है ये जिम्मा दिया गया था, जिसका चेयरमैन है CB शर्मा, और जिम्मा दिया गया था। NIS ने विभाग के सहयोग से जिले के 71 माध्यमिक स्कूलों को स्टडी सेंटर बनाया गया था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि स्टडी सेंटर बनाया गया था, आप जो सैटरडे संडे जो वहाँ पर स्टडी सेंटर क्लास करने जाते थे, 2 दिन की जो है आपकी स्टडी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ और ये जो होते थे, यानी 6 मंथ आप इस तरह का किए हैं, और यहाँ पर जहाँ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर न्यूज अखबार ने बहुत ही चालाकी और यहाँ पर 2 वर्ष से लिखा है, लेकिन दूसरा न्यूज में अगर आप देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर 1.5 वर्ष से हर एक न्यूज में लिखता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्ष पाठ्यक्रम को संचालन, NIS के प्रशिक्षकों को सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिए हैं। वही स्टडी सेंटर को जो बात करें तो NIS या विभाग की ओर से कोई भी राशि यहाँ पर प्राप्त नहीं मिली है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिली है NIS की, दोस्तों अगर बात करें कि NIS की 2 सर्टिफिकेट आई है, और एक मार्कशीट और एक जो फाइनल सर्टिफिकेट आते हैं जो कि 6 महीने या 1 साल के बाद, वो भी सर्टिफिकेट आ गए हैं। और जितने भी शिक्षक का जो NC रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी भी जो है सर्टिफिकेट अब आ रही है, बहुत सारा स्टडी सेंटर से हमें पता चला है। और यहाँ पर जो है कोई भी राशि नहीं मिली है प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी। केंद्रीय ब्यूरो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी केंद्र का ब्यूरो रिपोर्ट विभाग को दे दिए। स्कूलों के प्रधानाध्यक्ष पर शिक्षक पर अब दबाव बनने लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 6 महीना का जो परिश्रम किया है NIS की विभाग को भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक का कोई भी यहाँ पर कहना है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो सका। हालांकि विभागीय अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि डॉक्टर विमल कुमार जो कि DIA है मुजफ्फरपुर, उसका यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता NIS से DELED
प्रशिक्षण केंद्रों के परिश्रमिक की राशि मिली या नहीं, अब मामला संज्ञान में आया है तो इसको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक अपडेट आ रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि अनायास के जिले 71 स्टडी सेंटर को कराया गया था प्रशिक्षण और केंद्र से विभाग के माध्यम से अप्रैल में भेजे है ब्यू रिपोर्ट। और दोस्तों ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, ना कि पूरे बिहार की बात हो रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि 71 स्कूलों को बकाया है करीब 2.5 करोड़ रुपया। दोस्तों यहाँ पर जो अगर आपको पता होगा कि अनायास के प्रशिक्षण जो कराया जाता था सिर्फ सरकारी स्कूल पर ही कराया जाता था, यानी कोई भी सरकारी माध्यमिक हो प्राथमिक हो उसी पर जो है आपकी स्टडी सेंटर का संचालन कराया जाता था। एनआईएस के पास अपना कोई संसाधन नहीं होने के कारण सरकारी स्कूल को ही केंद्र बनाया और बदले में जो पारिश्रमिक जो तय हुआ यानी जो राशि तय हुआ था एक केंद्र के लिए साल का जो है 1.8 लाख रुपये मिलना है, यानी 2 साल में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि ये कोर्स जो है 2 साल की है, 2017-19 का कोर्स था और इसमें 2 साल का जो है, इसमें 1 साल का इतना कहा गया था 2 साल में आपका 3.60 यानी 2 साल का जो है 3.60 लाख रुपया। इस तरह से जिले की 71 केंद्र का कुल जो आंकड़ा यानी ब्यौरा जो आ रहा है 2,55,60,000 रुपये का भुगतान एनआईएस को करना है। केंद्रों का कहना है कि एनआईएस ने 6 महीने का जो परिश्रम 63 लाख विभाग के माध्यम से भेजने जिले को भेजा है लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एक अपडेट आ रहा जो कि मुजफ्फरपुर से। तो दोस्तों मैं यही आशा करता हूं कि आप इस चैनल पर जुड़े रहे, जो भी अपडेट मैं लाने की कोशिश करता हूं एनआईएस से रिलेटेड और जो भी मैं अपडेट लाता हूं वो जो है पूरी तरह से सच्चाई रहती है तभी मैं लाता हूं, भले एक दिन 2 दिन मेरी लेट हो जाती है लेकिन जो मेरी वीडियो में सच्चाई रहती है। दोस्तों इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और आगे का वीडियो लाभ उठाने के लिए आप चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक शेयर करें। दोस्तों इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।